गाइस हमें ये वाला लैपटॉप है जो पसंद आया है, M1 MacBook Air M1 है ना। 13 इंच डिस्प्ले के साथ आएगा, स्पेस ग्रे कलर आएगा, आपको ड्यूल सी पोर्ट्स मिलेंगे, यहाँ एक ऑडियो जैक मिलेगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज रहने वाला है, इजी टू हैंडल। बाकी ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना, ब्लॉगिंग के लिए अच्छा है, कहीं भी ले जा सकते हो, हैंड टू हैंड एडिट करो, ब्लॉग चढ़ाओ। Hey guys, good morning, welcome back to another vlog. So guys, सभी का स्वागत है इस नए vlog में। तो दोस्तों मेरे को पता है कि मैं दो तीन दिन से जो अपना vlog है वो थोड़ा लेट हो रहा है, 11 बज के 11 बजे का हमारा टाइमिंग है तो थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ, कभी 3 बजे कभी 4 बजे। तो गाइस वो हो रहा है इसलिए क्योंकि मेरे को जो एडिटिंग में वो थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा फोन है वो भी स्लो हो चुका है, थोड़ी स्टोरेज की भी प्रॉब्लम रह रही है। तो आज हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, आज हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने जा रहे हैं और आज हम आपको एक अपना नया गैजेट लेने जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो चुका हूँ ऑलरेडी, नानी के घर पे चलते हैं, फैसल को पिकअप करते हैं, फैसल को लेके फिर अपन देखने जाते हैं एक अच्छा सा मैकबुक जो अपने एडिटिंग में काम आएगा और जिस पे अपन अच्छे से एडिट करेंगे और टाइम से ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी चलते हैं, फैसल को लेते हैं, फिर मिलते हैं आप। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं नानी के घर के साइड और यहाँ पर अपन फैसल का वेट कर रहे हैं, फैसल आता है, फैसल जैसे ही आते हैं हम निकलते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, फैसल आ चुका है, चले आज तुझे पता हम क्या लेने जा रहे हैं। तो गाइस हम निकले ही थे और हमें यहाँ पे कौन मिल गया, देखो दुबई दुबई। और आज 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 तो घर पे रहने का था ना, तो घूमने चलो, घुमा के लाता हूँ। तो गाइस हम फाइनली निकल चुके हैं घर से और अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं रिलायंस डिजिटल, वहाँ पे हम देखेंगे कोई अच्छा लैपटॉप मिलता है तो, क्योंकि वहाँ पे भी लैपटॉप रहते हैं ना, तो हम सबसे पहले रिलायंस डिजिटल जा रहे हैं, वहाँ पे लैपटॉप देखने को अच्छा मिलता है। तो हम आ चुके हैं रिलायंस डिजिटल, अब जल्दी से अंदर चलते हैं और बताते हैं आपको। ये मॉडल है गाइस लुकिंग वाइज जैसे ही आएगा, 13th generation i5, 16 GB रैम, 512 SSD के साथ, 6 GB का आपको उसमें RTX का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा 3050। अच्छा, उसकी 2 GB रहेगी, 16 GB। अगर आप थोड़ा और अपग्रेड जाते हो तो इसमें i7 आ जाएगा 12th generation में, सेम वही ग्राफिक्स के साथ। इसकी इसमें ग्राफिक 3050 के साथ है, उसमें 4050 आएगा जो 13th generation i5 के साथ है। ओके, Wi-Fi प्रोसेसर में आएगा। लुकिंग वाइज तो अच्छा लग रहा है ये सारी विक्टर सीरीज के, इसको छोड़ के बाकी सारी विक्टर सीरीज के 11th generation i5 दिखने में ज़्यादा कूल लग रहे हैं। 8 GB आ जाता है इसमें, 8 GB है ना पूरा। जितना हम लैपटॉप ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। ये वाला लैपटॉप देखो, टच स्क्रीन है, ये देखो पूरा टच स्क्रीन है, मस्त कूल लग रहा है ना चलाने में, फोल्ड भी होता है। बाकी मैकबुक प्रो में ऐसा डिस्प्ले आती है नीचे का, नहीं इसका डिस्प्ले देखो ऐसा कन्वर्ट हो जाती है, अभी ऐसा टैब यूज हो सकता है। हाँ लैपटॉप यूज़ करना तो लैपटॉप, ऐसा टैब किसी को टैब ऐसा पबजी वबजी खेलने हो टैब में फैसल को, हाँ बट इसमें एडिट नहीं हो गई ना, प्रीमियर प्रो नहीं चलेगा इसमें, मतलब चलेगा तो सही बट वैसा नहीं चलेगा जैसे हम ज़्यादा ऐसा डेटा वैसा यूज़ नहीं कर सकते, हैवी यूज़ नहीं कर सकते वही। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टेक चैनल और खोलना पड़ेगा है ना, उस पर काम करना पड़ेगा, उसमें सबको मतलब ये टेक चैनल तो है नहीं, इसमें सारी डिटेल्स हैं आपको, तो हमें एक टेक चैनल खोलना पड़ेगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स देंगे, मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके कैमरा से लेके सारी डिटेल्स। ये तो ब्लॉगिंग चैनल लगता हूँ, वैसा कुछ इतना अंदर जाकर डीपली जाके हम कुछ बता नहीं रहे आपको, बस ऊपर से बता रहे हैं ना रफली। अपनी जो गेमिंग और एडिटिंग के लिए लैपटॉप है वो उधर रखे हुए हैं लास्ट में, जो कि हमने आपको बता दिया ना, बाकी सारे ऐसे ऑफिस यूज़ के लिए नॉर्मल यूज़ के लिए, बाकी लुकिंग भी सारे अच्छे हैं। क्या बोल रहे हैं, 1 लाख की है। कौन सी आधी सैलरी किसकी आधी सैलरी, अपनी तो पूरी सैलरी भी नहीं है 1 लाख, 1% भी नहीं है, 1% सैलरी है अपना 1000 रुपये दिन का,
टीवी भी अच्छे हैं ना, स्मार्ट टीवी सारे। रिलायंस का यही फायदा है इसमें, यहाँ पे टीवी फोन मसल रेडियो सब ले ले। ये फोन काम आएगा तेरे, ये आईफोन से बेटर है तेरा, ले ले। कितने का है? 1000 रुपये। हाँ 1000 रुपये का। इसका बैग भी अच्छा है दिखने में, ऐसा मस्त। तेरे को कौन सा पसंद है, ये वाला? ये वाला तो गाइस हम निकल चुके हैं रिलायंस से, क्योंकि हमें लगी हुई है। बताओ फैसल ने चाबी भूल दिया यार, बताओ गाड़ी में लग के भूल जाता है फैसल। इतनी देर से गाड़ी में चाबी लगी हुई है और हमने ऐसे उठा के लिया तो लैपटॉप हमारा बन जाता था। लैपटॉप की जगह पे गाड़ी खरीदनी पड़ रही फिर से इलेक्ट्रिक। तो गाइस अभी हम कंपेयर कर रहे हैं, अभी फिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पे मैकबुक नहीं है तो हम कंपेयर नहीं कर पाए कि हमें मैकबुक लेना है या विंडोज़ में जाना है वापस से। तो अभी हम जा रहे हैं एप्पल स्टोर, वहाँ पे हम चेक करेंगे मैकबुक भी, ठीक है? फिर कंपेयर करेंगे दोनों में कि मैकबुक लेना है या विंडोज़ में जाना है। तो अभी चलते हैं एप्पल स्टोर, वहाँ पे अपन देखते हैं कोई अच्छा सा मैकबुक हो तो। गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने एप्पल स्टोर पे। यहाँ पे दो एप्पल स्टोर है, ठीक है, बीकानेर में। तो अपन अपने पहले एप्पल स्टोर में आए जो कि है इमेजी का। तो अब इसमें अरे बाप रे, वो देखो, वो देखो गाइस, मधुमक्खियाँ इतनी सारी। सो यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि अपना लैपटॉप मिलता है एडिटिंग के लिए या नहीं मिलता। अभी हम फिलहाल एंटर कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। गाइस हम इमेजी स्टोर आए थे बट हमें यहाँ पे वीडियोस और ब्लॉग बनाने से मना कर दिया इन्होंने कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आप ब्लॉगिंग और वीडियोस अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पे ब्लॉगिंग और वीडियोस नहीं बना सकते। तो हम क्या करें अभी? तो हम अभी जा रहे हैं दूसरे एप्पल स्टोर में जो कि सादुलगंज में है। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बताएंगे सारा सीन। पता नहीं क्यों मना किया, वैसे तो पैसे दे दिए, क्यों लाते हैं? और जब हम चल के आए तो मना कर रहे हैं। घूमते को बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो वैसे भूख भी लग रही है, फैसल को भी लग रही है, मेरे को भी लग रही है। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, है ना, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद ही चलते हैं जो अपना सेकंड एप्पल स्टोर है उधर। अभी हम आ चुके हैं द पिज़्ज़ा क्लब, यहाँ पे अपन खाएंगे मसाला पैटीज और फिर अपन चलेंगे सादुलगंज। तो गाइस हमने ऑर्डर दे दिया है 2 मसाला पैटीज़ का, यहाँ से अपना जो अपना मसाला पैटीज खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे अपन सादुलगंज के लिए, अपने जो दूसरा एप्पल स्टोर है बीकानेर का उधर जाने के लिए। फैसल भी आ चुका है, फोन भी लगा अपने, फर्स्ट टाइम आए हैं तो द पिज़्ज़ा क्लब। जब तक पेट पूजा नहीं होगी तब तक दिमाग चलेगा नहीं, दिमाग से बत्ती चलेगी नहीं, ठीक है? तो हम पेट पूजा करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद में जाएंगे लैपटॉप लेने। हमारे मसाले पैटीज आ चुके हैं, अब इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस हमने अपना मसाला पैटीज फिनिश करके और अभी हम निकल चुके हैं अपने दूसरे एप्पल स्टोर के लिए। वहाँ पे अपने लैपटॉप देखेंगे, फिर बताएंगे आपको कौन सा लैपटॉप हम फाइनली ले रहे हैं और कौन सा नहीं ले रहे, ठीक है? और मौसम ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, ये देखो मौसम, बारिश होने की संभावना है, जैसे कि कल भी हुई थी बारिश और आज भी हो सकती है बारिश, बता नहीं सकते, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, देखते हैं क्या होता है। गाइस मौसम देखो हो रखा है जो, अभी हम आ चुके हैं एकॉर्ड, अब जल्दी से एंटर करते हैं अंदर और बताते हैं आपको अंदर जाके कौन सा ले रहे हैं अपन। हाँ जी सर, तो हमें ये वाला लैपटॉप पसंद आया है, तो आप बताओ। ये हमारे राहुल भाई हैं जो हमारे फोटोग्राफर भी है और हमने साथ वर्क भी किया बहुत टाइम तक। अब ये सेल्समैन बन चुके हैं एक वार्ड में, तो ये हमें बताएंगे कि क्या इसका फीचर है और क्या इसकी प्राइसिंग आस्किंग प्राइस है, फिर इसके बाद में अपन डिस्काउंट कर लेंगे ना। वो कर देंगे बढ़िया डिस्काउंट, इसके लिए कलर गोल्ड में नहीं मिलेगा, स्पेस ग्रे में। वो कितने का है? MRP 89,900 है, स्टोर डिस्काउंट है इस पर आपको स्टूडेंट आईडी से मिल जाएगा 18,500 का। स्टूडेंट है कौन? हम तो कॉलेज आई डी लगानी पड़ती है, उसके बाद डिस्काउंट हो जाएगा। कैश में ले रहे हो तो भी स्टोर डिस्काउंट है 17,000, कार्ड से 17,000 का तो स्टोर डिस्काउंट मिल जाएगा। बाद में देखो ये होगी M2 वाली होगी M3, ठीक है? मोटा मोटी फ़र्क देखोगे तो सिर्फ परफॉर्मेंस चिप का फ़र्क है, बाकी टच आईडी, मैक्सेफ, मैग्नेट, कलर्स, डिस्प्ले सब कुछ कॉपी पेस्ट है। क्या बोलते फैसल,
M1 या ये वाला ही देख, M1 लेंगे तो इससे थोड़ा सा लो है वो, क्यों? M1 2019 का मॉडल है। हाँ मतलब इससे तो लो ही है, इससे तो काफ़ी लो है, लेकिन M1 में चल जाएगा वो, सिर्फ व्लॉग एडिट करने में और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ एडिट करने में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे स्लिम नहीं, नहीं ये सस्ता है, 135 पे है, इससे महंगा तो ये वाला है। ये 2.5 लाख का है ना, कितने के? ये 250 से स्टार्ट, 250 से 1000 का भी आता है, 3.5 लाख का भी आता है, 2 लाख कंफिगरेशन पे डिपेंड है, 2,50,000 और वो 135 से स्टार्ट उसका भी, समझा? कॉन्फिगरेशन बढ़ाते अंदर का माल इसमें माल है अंदर, उसमें माल नहीं है, सिर्फ दिखता है वो। यहाँ भी इनकी फैन है, व्लॉग्स चल रहे हैं इनके, गाइस यहाँ भी इनकी फैन फॉलोइंग है, व्लॉग्स चल रहे हैं इसके अंदर। गाइस हमें ये वाला लैपटॉप है जो पसंद आया है, M1 MacBook Air M1 है ना, 13-inch डिस्प्ले के साथ आएगा, स्पेस ग्रे कलर आएगा, आपको ड्यूल सी पोर्ट्स मिलेंगे, यहाँ एक ऑडियो जैक मिलेगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज रहने वाला है, इजी टू हैंडल, बाकी ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना, ब्लॉगिंग के लिए अच्छा है, कहीं भी ले जा सकते हो, हैंड टू हैंड एडिट करो, ब्लॉग चढ़ाओ। वही यहाँ कैसे हो गया, ये अपडेट हो रहा है। अच्छा क्या बोलते भाई सर, ये वाला हाँ बेस्ट है ना, कलर गोल्ड गोल्ड गोल्डन कलर अच्छा लगेगा, गोल्डन कलर लेते हैं, है ना, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, गोल्डन कलर लेंगे अगर लेंगे तो, ये वाला बाकी दिखने में अच्छा है, एकदम कॉम्पैक्ट है, M1 ये मस्त लग रहा है ना, ये फाइनल कट प्रो चल रहा है इसमें, टच भी नहीं कर रही देखो पेंसिल इसमें, उससे पहले देखो तो हाँ जी दोस्तों हमने जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है वो ले लिया है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो शाम तक या कल तक मिलेगा, क्योंकि हमें जो कलर चाहिए था वो कलर मिला नहीं यहाँ पे गोल्ड, तो हमें शाम तक और कल तक वेट करना पड़ेगा, और कल तक या शाम तक आपको वो कलर गोल्डन कलर है जो मिल जाएगा, कभी देखते हैं शाम तक वेट करते हैं, और वापस चलते हैं घर के साइड, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और पता नहीं कितनी तेज़ बारिश होगी, मौसम तो बहुत खतरनाक हो रखा है, तो निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं मोहल्ले में, और अभी हम जा रहे हैं दावत खाने, अभी आज भी हमें दावत है तो हम दावत खा के मिलेंगे आपसे, है ना। तो गाइस हम ये आ चुके हैं दावत वाली जगह पे, और हमें यहाँ पे हमारे जो पार्टनर है वो भी मिल गए, ये देखो शाहिद भाई भी आ चुके हैं, और बस बस बढ़िया, आज आज कितनी दावत है, आज यार दो दो दावत है, दो तो मतलब अभी हमारा पेट भी बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत खा लिया हमने, बहुत खा लिया है ना, बहुत बैटिंग चल रही है, अभी तक बैटिंग चल रही है, वेटिंग चल रही है, क्या करें। तो गाइस फाइनली हमारा डिनर आ चुका है, बिरयानी और कोरमा है, सलाद, रोटी और थोड़ी सी मिठाई, तो अभी इसको एंजॉय करते हैं शाहिद जी के साथ, तो मिलते हैं आपसे। मैनू विदा करो, ठीक है चलो चला फट दिन, ठीक है आराम से रहना, ठीक है दिल मत उठाना, आराम से सरवाइव करने की कोशिश करना, ओके थोड़ी मुश्किल है तो सरवाइव करना उसको, ठीक है बिल्कुल। हेलो ये देखो एनर्जी सर और आ गई, अरे बिल ही ना और ये हमारे फोरमैन साहब हैं, सेट हो जाए सिस्टम, यहां सुकून आ से कहां, मतलब तू आ जा बाहर चला, कत्ते लगे हैं इस पे, नए पासपोर्ट रखते नहीं गाइस।
आज सिर्फ रोने लग गए हो रहे हैं इधर बैठे बैठे पागल थाने भी जाओ सऊदी यार गाइस अभी हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि हमें सुबह जल्दी आना है स्टेशन के लिए तो अय्यूब जाएगा तो उसको ड्रॉप भी करके आना है तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा घर से स्टेशन के लिए अय्यूब की अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन है तो उसको भी ड्रॉप करना है तो इसलिए हम जल्दी घर पे चलते हैं आज मिलते हैं आपसे घर पे जाके। तो हाँ जी दोस्तों फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ घर पे जो हमारा लैपटॉप है वो कल फाइनली हमारे हाथ में आ जाएगा कल तक का हमें वेट करना पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा और बजट हो गया है बट कोई ना चीज़ अच्छी ली हमने तो इसी के साथ आज का जो व्लॉग है वो हम यहीं एंड करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स करें शेयर करें अपना ध्यान रखें थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड नाइट।